हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 21 सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 21 सितंबर 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, और ये आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए आपको तो करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस एकेडमी। गाइस एज यू कैन सी आप लोगों को चैनल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, जाकर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप क्लिक करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स के बारे में बात करी गई है, तो उसका बैकग्राउंड एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है। ऐसे ही सारे करंट अफेयर्स को हम डेली पढ़ते हैं ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली जो है हमारा द हिंदू एनालिसिस पहुंच जाए, डेली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, डेली सुबह 4 बजे मॉर्निंग में आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाती है, उसके बाद 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है, और 6 बजे आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है। ये 3 वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका करंट अफेयर्स का काम हो गया, आपका काम समझ लो हो गया, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 पे आपको सबसे पहला आर्टिकल ये वाला दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि अभी आपको पता होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे 2 बिल्स को पास करा गया, वो अभी लोकसभा ने पास किया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, कल राज्यसभा ने भी पास कर दिया, यानी कि अब वो बिल्स पास हो गए हैं। और वो बिल्स क्या क्या हैं, आज हम एडिटोरियल में भी ये न्यूज़ आई हुई है तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज ये आर्टिकल आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि पहले भी मैं इसे कर चुका हूं, तो आज हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आगे इसको हम देखेंगे। खैर अभी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखते हैं। इस आर्टिकल में किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, गवर्नमेंट ने टेबल किया बिल, गवर्नमेंट ने बिल किस बिल के बारे में बात करी है और बिल को अमेंड करने की बात करी है, और वो कौन सा बिल है, FCRA का। FCRA क्या होता है, अब यहाँ पे UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये FCRA। FCRA की फुल फॉर्म होती है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब अमेंडमेंट बिल कह नहीं सकते इसे आप, यहाँ पर हम लोग जगह इसे एक्ट कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये अमेंडमेंट हो रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से मैं अमेंडमेंट बिल कह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट करा जा रहा है, इसमें कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं, तो इसको हम अमेंडमेंट बिल कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ये FCRA क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो FCRA पता करने के लिए आपको टेलीग्राम पे चलना पड़ेगा, और टेलीग्राम पर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो FCRA जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये UPSC का टॉपिक है। इसमें हमारा करंट अफेयर आ जाएगा फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब ये एक्ट क्या है, इस एक्ट का काम है कि हम लोग नहीं कह सकते, जो NGOs होते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये उनके लिए काम करता है, क्योंकि NGOs के पास फॉरेन से पैसा आता है, ठीक है, विदेश से पैसा आता है, तो उस पैसे को रेगुलेट करने के लिए हमारा ये बॉडी बनाई गई है। देखो यही चीज़ इसमें भी लिखी गई है, फॉरेन फंडिंग जो होती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, जैसे NGOs वगैरह हो गए, उसके लिए बाहर से विदेश से पैसा आता है, तो उसको रेगुलेट करा जाता है इस एक्ट के अंदर में, इस एक्ट के अंदर में रेगुलेट करा जाता है, और ये इंप्लीमेंट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब याद रखना, आपसे पूछा जाए ये FCRA, अगर आपसे क्वेश्चन बने ये FCRA किसके द्वारा इंप्लीमेंट करा जाता है, किसके द्वारा ये लागू करा जाता है, तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ओके, जो ये एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो रिसिपियंट्स है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है, इस एक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, उसका पालन करे। यानी कि मान लो ये कोई NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मान लो USA से इसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, USA जो है इसके पास पैसा भेज रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर ये पैसा जो आ रहा है ये आएगा FCRA एक्ट के अंदर में, ठीक है, इस FCRA एक्ट के अंदर में इस पैसे को रेगुलेट करा जाएगा, ये कैसा पैसा है इसके ऊपर जाँच पड़ताल करी जाएगी, ठीक है, कि यहाँ पे कोई गलत काम के लिए तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद जो ये NGO जब पैसा लेगा इसे, तो उसको
क्या करेगा ये, सबसे पहले ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इस एक्ट के अंदर में उसको उसको फॉलो करेगा, उसको उसका पालन करेगा। ओके तो गाइज यहाँ पे हुआ FCRA के बारे में बात। ये जो इस एक्ट के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्टर करती हैं सबसे पहले, और ये 5 साल के रजिस्टर करी जाती हैं, ठीक है, 5 साल के रजिस्टर करी जाती हैं, उसके बाद इन्हें दोबारा रजिस्टर करा जाता है इसके अंदर में, ठीक है। तो गाइज इसे याद रखना ये FCRA में। अब यहाँ पर इसमें बात हो रही है आर्टिकल में कि इसमें कुछ चेंजेस करा जा रहा है, अमेंडमेंट करा जा रहा है। अमेंडमेंट ये करा जा रहा है कि इसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया जा रहा है। तो जो ये सेंटर है इस सेट टू अमेंड दी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA को अमेंड करने की बात करी हमारे सेंटर ने, और बोला कि जो आधार है एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड को जरूरी यहाँ पे एक कंपलसरी कर दिया जाएगा ऑफिस बेयरर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो भी NGO के ऑफिस बेयरर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी चलाते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, उनका आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर रिसीव करेगा फॉरेन डोनेशंस वगैरह तो फिर उसमें उनका आधार कार्ड लगना है, ये ऐसा हमारा अमेंडमेंट करा गया है। ओके तो गाइज ये हुआ हमारा आर्टिकल कंप्लीट। अब इसमें हमने FCRA भी पढ़ लिया, क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको भी हमने पढ़ लिया। ओके नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा, इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, विल रिजाइन इफ MSP इज डिसकॉन्टिन्यू, MSP इज डिसकॉन्टिन्यू। ये फिर से वही आर्टिकल है जो कि एग्रीकल्चर के 2 बिल्स को पास करा गया है, और आज न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म बिल से। तो फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर MSP को डिसकंटिन्यू करा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर हटाया गया, क्योंकि इस बिल्स में क्या बातें, ऐसी कुछ बातें हैं जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने की बात करी जा रही है, तो हरियाणा के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने बोला कि भाई मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अभी एक और में अभी हाल ही में किसी ने रिज़ाइन करा है, आपको याद होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो कि फीमेल थी, अगर आपको नाम पता हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ठीक है। तो चलो इसको हमने कंप्लीट किया, इसमें अभी कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग बिल्स पढ़ेंगे वो वाले, तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर। ओके नेक्स्ट जो है ये वाला आर्टिकल आप देख रहे होंगे, इसमें बोला गया NBA के द्वारा, NBA ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपने एथिक्स वगैरह मेंटेन करके चलें, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फैली है, कौन सा हैशटैग UPSC जिहाद है ना, कि यहाँ पर जो हमारा एक न्यूज़ चैनल का नाम है सुदर्शन न्यूज़, ठीक है, उस न्यूज़ चैनल का नाम है सुदर्शन न्यूज़, तो उसका जो एडिटर है उसने UPSC जिहाद का ये जो एक कह सकते हो सीरीज़ को लॉन्च करने की बात करी गई, उसका ट्रेलर ही लॉन्च हुआ था कि इस पर पूरा का पूरी तबाही मची पड़ी है। ये भी एक एडिटोरियल है, मैं आपको बताऊँगा इस एडिटोरियल के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा, ये एडिटर है, ये इस एडिटर की वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है इस कंट्री को, ठीक है। और किस बात को लेकर, ये UPSC को इसने टारगेट किया, और बोला गया कि इसमें जो मुस्लिम्स का इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी मुस्लिम्स ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ इसके द्वारा बोला गया। तो फिर काफ़ी सारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स इसके अगेंस्ट, इस चैनल के अगेंस्ट खड़े हो गए, फिर ये केस कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक, फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठाई गई, और बेंच में 3 जज बैठे, और 3 जज ने भी खूब फटकार लगाई इस चैनल की। ओके तो गाइज उसको हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं, पेज नंबर 2 पे हमारे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 3 पर भी हमारे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 पर आता है ये वाला आर्टिकल, ये फिर से वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे पंजाब और हरियाणा के कृषि भाई, जो फार्मर्स हैं, किसान लोग, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, खिलाफ खड़े हैं, कौन से, जो हमारे बिल्स आए हैं, 2 रिफॉर्म बिल्स आए हैं एग्रीकल्चर के, उसके लिए, ठीक है। एक्चुअली में वो 3 बिल्स हैं, लेकिन उसको मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ओके नाउ सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर, अब एडिटोरियल पर आप लोगों को ये न्यूज़ दिख रही होंगी, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल ये वाला एडिटोरियल ये UPSC जिहाद वाला ही है, ठीक है, जो सुदर्शन न्यूज़ केस आप कह सकते हो उसे। तो अभी मैं बताऊं, ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे, और ये है क्या फंडा, मैं आपको बता दूं, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक सीरीज़ लॉन्च करी बिंदास बोल की सीरीज़ लॉन्च करी, और उस सीरीज़ में क्या दिखाया गया UPSC जिहाद के बारे में, कि जो मुस्लिम्स का इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस सीरीज़ में 15 वीडियोज़ अपलोड होनी थी, 15 वीडियोज़ में जैसे ही इसका टीज़र आया, ट्रेलर आया, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया, क्योंकि ट्रेलर में ये बोला गया कि इस एडिटर के द्वारा ये बोला गया कि जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें मुस्लिम्स का इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द हिंदूज़, ऐसा बोला गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रियली में,
रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये देखा गया, तो फिर काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े लोग सब इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। सब ने जो है एक एप्लीकेशन साइन कर दी, ठीक है, एप्लीकेशन डाल दी, फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्यों खड़े हो गए, ये आईपीएस एसोसिएशन पूरा का पूरा इसके खिलाफ खड़ा हो गया, इस न्यूज़ चैनल के खिलाफ खड़ा हो गया कि यार यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो आपके अपने दम के ऊपर सेलेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप में दम है, अगर आप में जज्बा है, आप पढ़ सकते हो इतना जितना यूपीएससी पूछता है, तो पढ़ो और क्लियर करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करा जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला ये सारी चीज़ें सुनते हुए कि यार ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक एब्यूज़ टाइप का हो जाता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बदनामी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है ये न्यूज़ चैनल। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन मिल रहा है यूपीएससी में, तो फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी कर रहा है, ऐसा भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो खूब डांट फटकार लगाई गई है इस न्यूज़ चैनल की। और अभी आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना है नहीं, ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कभी भी ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट में बदल सकता है, कभी भी जो है इसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ है वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में, वो है ये, इस आर्टिकल में एक सेक्शन है, यानी कि आप देखा होगा जो सेक्शन 153A है, सेक्शन 295A अनुच्छेद जिसे कहते हैं, ये आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, याद रखना आईपीसी का यहाँ पे ये सेक्शंस हैं जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं रिस्पेक्टिवली स्पीच दैट सीक्स टू प्रमोट एमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्पीच एक्ट्स आउटरेजस रिलीजियस फीलिंग्स। यानी कि अगर कोई भी ऐसा हेट्रेड स्पीच फैलाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर के द्वारा करा गया, ठीक है, एक आप इसे हेट्रेड न्यूज़ ही कह सकते हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के टुवर्ड्स एक हेट्रेड न्यूज़ फैलाई गई कि और उसकी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करा गया, तो फिर एक हेट्रेड न्यूज़ ही हो गई। तो ये फैलाने के लिए जो यहाँ पर इसके आप जो प्रिवेंशन एक्ट कह सकते हो, यानी कि जो इसका सुझाव है, इसके लिए जो स्टेप उठाए जाते हैं, वो इस आर्टिकल में हमारे मेंशन है। ओके, तो फिर गाइज इस आर्टिकल में बस इतना ही है, आप इतना याद रखो, और ये बाकी सारी फालतू की बातें हैं, इसके ऊपर इतना ध्यान मत देना, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर आपके पास आता ही है, लेकिन टाइम हो तो, वैसे तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि फालतू चीज़ें आप कवर करो। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा, नेक्स्ट एडिटोरियल है ये फेयर एंड अनफेयर के बारे में। अभी आपको पता होगा हाई कोर्ट, अभी मैं आपको इस न्यूज़ को पहले बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ ये न्यूज़ है किस चीज़ के बारे में। अभी हमने, मुझे याद है हमने 3 दिन पहले इसको डिस्कस किया था, किस चीज़ को लेकर, कि जो एक तमिल एक्टर है सूर्या, नाम है तमिल एक्टर सूर्या, सर्च करो सब पहचानते होंगे, गूगल पे सर्च करोगे पिक्चर में, यार सोच तो रहा था लगा दूँ, चलो कोई बात नहीं बाद में दिखा दूंगा, तो आप सर्च करो पहचान जाओगे। तो इस एक्टर ने क्या बोला, जो मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ कुछ चीज़ें बोल दी गई। तो अभी आपने एक ऐसा ही केस बिल्कुल देखा होगा कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले का, जब प्रशांत भूषण साहब वाला केस, उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉबडे साहब के खिलाफ जो है कुछ ट्वीट कर दिया था, तो हमने तब भी ये केस देखा। तो दोनों जगह क्या हुआ, एक कॉमन चीज़ हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लागू करा गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा इन्हें जो है पूरी कोशिश करी गई पनिश करने की, और जिसके बाद जो है इनके ऊपर फाइन लगाया गया, प्रशांत भूषण साहब के ऊपर फाइन लगाया गया, वो भी कितने रुपये का, 1 रुपये का, 1 रुपये का फाइन लगाया गया, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, अगर आप डेली देख रहे हो तो आपको ये न्यूज़ पूरी तरह से पता होगी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे एक और किस्सा देखने को मिला तमिल में, जो एक्टर है सूर्या, उन्होंने जो है मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ क्या चीज़ें बोली, जो मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ बोला कि भाई जो, जैसे कि बच्चे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, बच्चे लोग एग्ज़ाम देने जा सकते हैं इस COVID-19 पेंडेमिक के टाइम में, बच्चे लोग जाएं और एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम दें, उनकी जान को खतरा नहीं है। और बाकी जो ये जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस वगैरह बैठे पड़े हैं, और जजेस अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू के जो है चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सही है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ बोली गई, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट कराए गए, खोले गए यहाँ पे सेंटर्स वगैरह, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है स्टेप उठाया, ये बोला। तो फिर जो है हाई कोर्ट जजेस को बुरा लग गया, मद्रास हाई कोर्ट जजेस को, फिर उसके बाद जो है ये आगे आगे किस्सा पहुंचा, तो फिर आज फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के साथ साथ बोला गया, यार इसमें कोई केस में कोई वो कमी नहीं है, जो है सूर्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो जो है एक्टर हैं, इनको किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं करा गया है, यानी कि इनके ऊपर ये केस लागू ही नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने जो है एक सही बात बोली है, इनके ऊपर ये केस लागू ही नहीं होता है। और क्या होता है, क्या बात बोली गई है, कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लागू करा जाता है किसी के ऊपर, कब लगाया जाता है, जब एक व्यक्ति जो है
वो किसी कोर्ट के खिलाफ में, किसी कोर्ट के मान और मर्यादा के खिलाफ में बात करे। इन्होंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, कोर्ट के खिलाफ में तो कुछ बोला ही नहीं था। तो फिर ये हाई कोर्ट, जो ये हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें बोला गया कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है और यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं और ये जो है नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, यहाँ पर इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट वगैरह नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो ऐसा यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अब इस आर्टिकल से आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। काफ़ी बार हमने सुन लिया, काफ़ी बार हमने रिसेंटली कवर भी करा है, तो आज मैं आपको फिर से कवर करवाऊंगा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें पढ़े हुए। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आज। पहले हम लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखेंगे। तो जनरल स्टडीज पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के अंडर में आ सकता है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, 1971 का ये जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जो है किस लिए काम करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट की मान और मर्यादा के खिलाफ उंगली उठाता है तो उसके ऊपर ये चार्ज करा जाता है और उसे सजा दिलाई जाती है। सजा दिलाई जाती है दो टाइप की, एक होता है हमारा सिविल कंटेम्प्ट, तो एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल की कंटेम्प्ट की बात करें तो ये कब लागू करा जाता है, जब एक व्यक्ति किसी भी जजमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, ठीक है, किसी जजमेंट को डिसओबे करता है, किसी जजमेंट की मान मर्यादा के ऊपर उंगली उठाता है, या फिर किसी किसी कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर, किसी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसके ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगाया जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब लगाया जाता है, जब किसी भी कोर्ट के खिलाफ कोर्ट की मान और मर्यादा के ऊपर उंगली उठ सकती है उठाई जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके ऊपर जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाता है। या फिर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होती है, यानी कोई जज वगैरह ऑर्डर वगैरह चल रहा होता है, जज का कोई केस मतलब जो है कोई केस वगैरह चल रहा होता है, तो उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस करता है, तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाता है। ओके, अब हम बात करें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, तो ये आप याद रखना, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सुओ मोटो के द्वारा लाया जाता है, सुओ मोटो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, सुओ मोटो के द्वारा ये खुद के मोशन से लाया जाता है, और डिस्क्राइब एक्ट ऑफ अथॉरिटी टेकन विदाउट फॉर्मल प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम अनदर पार्टी, यानी कि कोई यहाँ पे फॉर्मल चीज़ें आप देखोगे कि कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही जो जजेस वगैरह की बेंच बैठा ली जाती है और काम हो जाता है। ओके, नाउ अब लोग हम लोग बात करें तो अभी हम लोग कहाँ थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत क्यों है हम लोगों को, जी हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए काम करता है कोर्ट की मान और मर्यादा को बचा जा सके, तो ऑब्वियस ही बात है मान और मर्यादा बचाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो लागू कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो भी पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट से, ठीक है, वो भी पनिश कर सकते हैं इस केस के थ्रू किसी को। उसके बाद अगर हम देखें इस लॉ से क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, इस ये कंटेम्प्ट लॉ से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अगर हम जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो हमारे पास जो है राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमारे पास पूरा पूरा हक है कि हम अपनी बात रख सकें, तो फिर ये कंटेम्प्ट लॉ जो है ये उसको वायलेट करता है और ये हम लोगों को कुछ बोलने नहीं देगा, अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर ये जो है आपके खिलाफ जो है कार्रवाई चल सकती है। ओके, तो फिर अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ये बताया गया कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटिश ने क्या करा कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा दिया गया है, उनके द्वारा ये हटा दिया गया है वहाँ पर उनकी उनकी कंट्री में, ठीक है, तो हम भी वो स्टेप कर ले सकते हैं और इंडिया में भी कंटेम्प्ट लॉ को हटा सकते हैं। ओके, तो ये सारे स्टेप बोले गए। तो गाइज अब यहाँ पर आपको हो गई चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला आपको दिख रहा होगा, इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ल्ड। अब ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, बिल्कुल वही चीज़ है जो कि मैंने आपको डिस्कस करी थी परसों। तो ये एग्रीकल्चर के लिए तीन रिफॉर्म बिल्स निकाले गए हैं, कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तीन रिफॉर्म बिल्स निकाले गए हैं और उन रिफॉर्म बिल्स को पास भी कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ काफ़ी सारी जो है आवाज़ें उठी हैं, काफ़ी सारे जो है फार्मर्स वगैरह हमारे कृषि भाई लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में हैं उसके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। तो वो है क्या, ये बवाल है क्या, ये इशू है क्या, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों फार्मर्स जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट में इसके। तो जनरल स्टडीज़ पेपर टू और थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स जो है इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट के अंदर में,
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो फार्मर्स है पंजाब और हरियाणा में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे जो बिल है उसके खिलाफ हैं ये। उसके बाद पहले ये देखो, ये ऑर्डिनेंसेस थे, ये ऑर्डिनेंसेस थे, आपको भी पता होगा अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, तो पहले ये होता है ऑर्डिनेंसेस, जब ऑर्डिनेंसेस को पास करा जाता है तो वो बन जाता है बिल। ओके, पहले ये ऑर्डिनेंसेस थे, वो क्या क्या थे? ये तीन ऑर्डिनेंसेस थे, जैसे कि पहला का, पहले का नाम देख सकते हो आप, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, पहला तो ये बिल था, ठीक है। दूसरा बिल यह है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये तीनों के तीनों बिल पास कर दिए गए हैं, और अब ये जो तीनों बिल पास करे गए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली फार्मर्स को। फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, वो क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा, चलो मैं बेसिक बता देता हूँ क्या हुआ है। अभी क्या होता है, एपीएमसी आपको पता होगा, इसके जो इसके एक्ट के थ्रू मंडीज वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है। अभी हमारे जो कृषि भाई होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो मंडी में जो है अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, ये एपीएमसी के थ्रू मंडी एक्ट के थ्रू मंडी है, और उस मंडी में जो है किसान भाई जो होते हैं, जो भी उगाते हैं वो वहाँ पर बेचते हैं, और वो बेचते हैं तो किसके थ्रू बेचते हैं? अब ये समझ लो, ये फार्मर है, फार्मर बेचता है पहले कमीशन एजेंट को, ठीक है, जिसे हम अर्थियार भी कहते हैं, कमीशन एजेंट को बेचता है, फिर कमीशन एजेंट जो है जाकर सेल करता है। ओके, तो यहाँ पर एक मार्केट फी भी जनरेट हो जाती है। तो फिर ये जो तीन बिल पास करे गए हैं, इसके खिलाफ तीन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और तीन लोग सबसे ज़्यादा परेशानी में, वो कौन है? फार्मर, कमीशन एजेंट, और उसके बाद जो है हमारा स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के पास भी जो है पैसा जनरेट होता था मार्केट फी के तौर पे, तो अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मंडी, एक मंडी को ही हटा दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये तीन चीज़ों की, जो ट्रेड एरिया यानी कि मंडीज़ वगैरह हो गई, मंडी से लेकर यहाँ पर बात करी गई बिल्स के अंदर में, ट्रेडर, दूसरे जो व्यापार हो गया, कमीशन एजेंट की बात करी जा रही है, और मार्केट फी यानी कि एक मार्केट फी जनरेट करी जाती है जो कि स्टेट्स को मिलती थी, राज्यों को मिलती थी, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। तो ये इन तीनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चिंता करी गई है इस चीज़ के अंदर, इन तीनों चीज़ों को निंदा करी गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ट्रेड एरिया, पहले हम लोग ट्रेड एरिया को डिस्कस करते हैं, मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले मंडीज होती थी जैसे मैंने अभी आपको बताया, मंडी को हटा दिया गया है, अब मंडी को हटा दिया गया है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जैसे कि फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस, वेयर हाउसेज, सिलोस, कोल्ड स्टोरेज, ये सब भी ऐड हो गए। तो मंडी में क्या होता था, पहले फार्मर्स को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको एक MSP मिल जाता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, ठीक है। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था तो फार्मर खुश रहते थे यार, कि चलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल रहा है, एक हमें मिनिमम प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स प्राइस है, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे मंडी को हटा दिया गया है, तो MSP को हटाने की बात करी जा रही है, तो फिर ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उठ गई। उसके बाद दूसरा है हमारा ट्रेडर यानी कि कमीशन एजेंट। अब मंडी नहीं रहेगी तो कमीशन एजेंट का क्या काम? अब यहाँ पे कमीशन एजेंट रहेंगे भी, तो कमीशन एजेंट के साथ साथ और लोगों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। कौन कौन यहाँ पर आप देखोगे, कमीशन एजेंट के साथ साथ कौन कौन होंगे इसके अंदर? प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर, रिटेलर। तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई कमीशन एजेंट को लेकर, क्योंकि कमीशन एजेंट आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हैं पंजाब में, ठीक है। तो फिर उनकी भी प्रॉब्लम हो गई, अब कमीशन एजेंट को हटा दिया जाएगा या फिर इन लोगों को ऐड कर दिया जाएगा कमीशन एजेंट की जगह, तो फिर ये भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कि जो कमीशन एजेंट हुआ करता था पहले, उसके पास एक लाइसेंस हुआ करता था, वो भी एक गवर्नमेंट का लाइसेंस, एक पक्का लाइसेंस हुआ करता था, और जिसकी वजह से जो किसान है वो उसके ऊपर विश्वास कर सकता था। अब क्या किसान इसके ऊपर विश्वास कर सकता है जिसके ऊपर लाइसेंस नहीं होगा, जिसके पास उसके ऊपर विश्वास कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। लास्ट जो है हमारी मार्केट फी को लेकर, अब यहाँ पे जब मंडी एक्ट चल रहा था, हमारे जो मंडीज़ वगैरह थी पहले, तो उसके अंदर एक मार्केट फी जनरेट हो जाती थी, ठीक है, कमीशन लेते थे। जो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, कमीशन एजेंट्स जो हैं वो 2.5% का कमीशन लेते थे, और कुछ पैसा वगैरह जनरेट हो जाता था राज्य को। अब राज्य के पास भी पैसा नहीं आएगा, जब मंडीज हट जाएंगी तो राज्य के पास भी पैसा नहीं आएगा, तो तीसरा प्रॉब्लम हो गया हमारा ये। तो ये पूरा इशू है। तो फार्मर, तीन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये याद रखना, फार्मर, कमीशन एजेंट और स्टेट्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इन रिफॉर्म बिल से। तो गाइज आपको ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर, उसके ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ये किस चीज़ के बारे में है? ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 21 सितंबर है, 21 सितंबर है, आज होता है इंटरनेशनल पीस डे, याद रखना, आज होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, या फिर इंटरनेशनल पीस डे कह सकते हो, यानी कि दुनिया में शांति बनाए रखी जाए, ओके, जिसका हमने आज थंबनेल भी बना रखा है। तो फिर इस ओकेजन पे बोला जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं
जैसे कि आप देखोगे अफगानिस्तान, येमेन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मेक्सिको, लीबिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती है। यहाँ पे क्या हो देखा जाता है कि जो मिलिट्राइज्ड अटैक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलिट्राइज्ड अटैक्स होते हैं, लोग काफ़ी लोग मरते हैं। ठीक है, अभी आप अफगानिस्तान की बात ले लो, अफगानिस्तान में देखो तालिबान कितनी ज़्यादा गोलियां वगैरह चलाता है, तो इन कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा खतरा है, काफ़ी ज़्यादा गोलीबारियाँ देखी जाती हैं, काफ़ी लोगों की मौतें देखी जाती हैं। तो आज के दिन पे हम क्या कर सकते हैं, आज के दिन को याद करते हुए हम लोगों को क्या करना है, स्टेप उठाना है कि इन कंट्री में हम लोग शांति बनाए रखें, इन कंट्री में कैसे हम लोग शांति बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है इस आर्टिकल में। और ये बोला जा रहा है कि जो यूएस, रशिया, चाइना हैं, ये पीस मेंटेन कर सकते हैं, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया की, ये लोग मेंटेन कर सकते हैं, ये शांति को बनाए रख सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद नहीं बनाते, क्योंकि आप समझ लो जैसे कि अफगानिस्तान में वॉर चल रही है, अफगानिस्तान में किसी बात के लेकर लड़ाई चल रही है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, तो यूएस क्या करेगा उसमें, अपने क्या अपना फ़ायदा सोचेगा, कैसे अपने वेपन्स वगैरह भेजेगा, अपने हथियार भेजने की कोशिश करेगा, चाइना अपने हथियार भेजने की कोशिश करेगा, रशिया अपने हथियार भेजने की कोशिश करेगा, तो ये जो है विवाद को, इन लड़ाइयों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे यूएस, रशिया, चाइना की तरफ से अगर कोशिश करी जाए पीस को, शांति को मेंटेन करने की, तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग करते नहीं हैं, यही सारी चीज़ें आर्टिकल में बोली गई हैं। उसके बाद ये आज हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, तो हम लोगों को ये जो कोर प्रॉब्लम है उसको देखना पड़ेगा और एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है इन कंट्री में ऐसे ही बुरा हाल चलता रहेगा और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ में किस वजह से है, क्योंकि आज 21 सितंबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है आज के दिन। ओके, आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 9 पे ये बोला गया, कल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा एक ट्वीट करा गया। ट्वीट में बोला गया जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कंटिन्यू रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम नहीं हटा रहे हैं। ठीक है, ऐसा उनके द्वारा ट्वीट करा गया। नेक्स्ट आर्टिकल में आप ये देख रहे होंगे, इसमें जो है बोला गया वैक्सीन स्ट्रेटजी रेडी सेज वर्धन। ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा बोला गया अभी जो वैक्सीन आने में टाइम लगेगा और काफ़ी सारी वैक्सीन ट्रायल में चल रही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 145 वैक्सीन ट्रायल में चल रही हैं और अभी भी कोई भी फिक्स नहीं हुए और किसी का भी आने का भी पता नहीं है कि कोई वैक्सीन जो है अच्छी तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी, अभी कुछ पता नहीं है। तो उसके चलते हुए भाई अपना जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, और जो है मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखो, ताकि आप कोविड-19 से फाइट कर सको, और यही जो है की रहेगा हमारे लिए कि हम लोग कोविड-19 से लड़ सकें, ऐसा बोला गया इस आर्टिकल में। ना आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे आपको ये दिख रहा होगा ICMR ने सेकंड सीरो सर्वे को भी एंड कर दिया। अभी हाल ही में इसका पहला सीरो सर्वे करवाया था इसने पूरी की पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में, उसके बाद इसका सेकंड सीरो सर्वे भी एंड हो गया। अब यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं इस बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आगे इसके बारे में दे रखा है। तो जो ये है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बात करें, ये अपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि काम करती है रिसर्चेस के ऊपर, बायोमेडिकल रिसर्चेस वगैरह करती है। और देखोगे यहाँ पर कि इसका काम है कि चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हुए रहना। ठीक है, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना और नई नई चीज़ों को पता लगाना। अब इसे पैसा कौन देता है, आपको भी पता होगा किसी बॉडी को रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर इसको पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको पैसा दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो जल्दी से आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ICMR के द्वारा बोला गया, ICMR जो सलाइवा बेस्ड टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वर्धन साहब के साथ बोला, इनके द्वारा बोला गया। अब आपके लिए UPSC की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है सलाइवा बेस्ड टेस्ट। तो ये सलाइवा टेस्ट होता क्या है, चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सलाइवा टेस्ट, जैसे कि हमारा एक सीरो सर्वे है, सीरो सर्वे हमने छोड़ दिया तो सीरो सर्वे को भी कवर कर लेते हैं। सीरो सर्वे क्या होता है, सीरो सर्वे हम लोग डायरेक्टली ऐसी जांच करवाते हैं जो कि पता चलता है, जिससे कि लोगों की टेस्टिंग वगैरह होती है कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, लोगों के अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं, तो फिर एक आप कह सकते हो ये टेस्ट काफ़ी अलग होता है सीरो सर्वे वाला। ओके, नाउ सलाइवा टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो थूक का सैंपल लिया जाता है, सलाइवा का थूक का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करी जाती है। ये डिफरेंट क्यों है, देखो
सलाइवा टेस्ट के अगर हम बारे में बात करें तो ये अलग है, डिफरेंट है, और इसमें बोला ये जा रहा है कि जो सलाइवा टेस्ट है इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% असली, मतलब कि सही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक हमारी टेस्टिंग होती है RT-PCR, जिसमें से नोज़ में से लिक्विड लेके टेस्टिंग वगैरह करी जाती है, तो उसका रिज़ल्ट कभी कभार गलत आ जाता है। लेकिन सलाइवा टेस्ट का जो थूक से रिज़ल्ट करा जा रहा है, थूक की टेस्टिंग करी जा रही है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर बोला गया ICMR खुश है भैया सलाइवा टेस्ट को लेकर। नेक्स्ट जो है आर्टिकल, और आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड बैंक को लेकर। वर्ल्ड बैंकर सीक्स यूनिवर्सली एलिजिबिलिटी। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अभी लोन दिया है इंडिया को, कितने रुपए का? $1 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को, और इंडिया जो है इससे क्या करेगा, काफ़ी सारे स्टेप्स उठाएगा। काफ़ी सारे स्टेप्स कैसे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहाँ पर स्टेप्स उठाएगा, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टेप उठाएगा, और अपना रेलवे सिस्टम को भी अच्छा करने के लिए यहाँ पर स्टेप उठा रहा है। जो रेलवेज़ है वो स्पेंड कर रहा है 399 करोड़ रुपीज़, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए रेलवे का, ताकि जो ये कोरोना वायरस है उससे लड़ा जा सके। ओके, तो गाइज आज का हो गया हमारा हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।